दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने अभी अभी जारी की अधिसूचना। रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 के रिगार्डिंग या दोस्तों CBT 1 परीक्षा दी थी, छात्रों को लगा बहुत बड़ा झटका, करना पड़ेगा लंबा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हो, देख लेते पूरी जानकारी। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप RRB JK CBT 2 एग्जाम की तैयारी करें तो तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ RRB NTPC की बुक भी अवेलेबल हो चुकी है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है ये RRB NTPC के पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, RRB NTPC एडमिट कार्ड अभी नहीं जारी होगा NTPC परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, और इसकी वजह भी यहाँ पर बताई गई है कि क्यों नहीं जारी होगा NTPC का एडमिट कार्ड। दोस्तों 31 जुलाई 2019 की लेटेस्ट अपडेट, और इसके अनुसार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बहुत बड़ी अधिसूचना जारी कर दी। RRB NTPC के एग्जाम डेट के संदर्भ में रेलवे भर्ती बोर्ड आने वाले दिनों में NTPC के 35,000 पदों पर होने वाली परीक्षा के लिए तारीख जारी करेगा। कई खबरों में ये कहा जा रहा है कि रेलवे जल्द ही NTPC परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। दोस्तों हालांकि इन खबरों में दम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बोर्ड ने अभी तक परीक्षा की तारीख ही तय नहीं की है। ऐसे में एडमिट कार्ड का तो सवाल ही नहीं उठता। रेलवे भर्ती बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया, रेलवे भर्ती बोर्ड अभी कई भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी परीक्षा पहले आयोजित की जाएगी। हम उम्मीदवारों और परीक्षा केंद्रों की संख्या को ध्यान में रखकर परीक्षा आयोजित करेंगे, ऐसी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया। जी दोस्तों, हमने पूछा कि क्या अगस्त में NTPC की परीक्षा आयोजित होगी, तो दोस्तों अधिकारी ने इस पर अपना बयान दिया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अभी ये तय नहीं हुआ है और अगस्त तो आ चुका है, हम आने वाले दिनों में भर्ती परीक्षा की तारीख तय करेंगे। शेड्यूल सभी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। बता दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि परीक्षा जून से सितंबर के बीच में आयोजित की जाएगी, लेकिन जून जुलाई तो निकल गया और अगस्त में भी परीक्षा होना मुश्किल लग रहा है, ऐसे में सितंबर में परीक्षा आयोजित होने की संभावना है, ऐसी जानकारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारी ने दी। और दोस्तों उसके साथ ही मैं आप सभी को अपडेट करना चाहता हूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार RRB JEE की CBT 2 एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में होगी, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि RRB NTPC की एग्जाम इस बीच में नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों कुछ दिन पहले ये भी अपडेट आई थी कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम 15 सितंबर के बाद शुरू होगी, और रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम पहले होती है तो RRB NTPC की एग्जाम 2020 में होगी, और अगर रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम बाद में होती है तो RRB NTPC की एग्जाम सितंबर के मिड से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें।